शहर में एसएसपी के निर्देश पर जहां चेकिंग अभियान चलाकर अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, तो वहीं तेज तर्रार एसपी साउथ दीपक भूकर के निर्देश पर साउथ में सालों से चल रहे नशे का कारोबार करने वाले लोगों पर पुलिस के द्वारा चाबुक भी चलाया जा रहा है। वहीं शुक्रवार को बर्रा थाना क्षेत्र के गुजैनी इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पीला पुल के पास दो युवक रामचंद्र धर्मेंद्र के साथ एक युवती को गिरफ्तार किया है, तो वहीं राजेश उर्फ शिवमुनि मौके से भाग गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीनों के पास से 10.5 किलो गांजा बरामद किया। वहीं आरोपियों के पास से 52,000 रुपए भी बरामद किए। क्षेत्राधिकारी विकास पांडे ने बताया कि मुख्य फरार आरोपी राजेश गांजे को पहुंचाने का काम करता है, तो वहीं तीनों अलग अलग इलाके में गांजे को सप्लाई करने का काम करते थे। वहीं पकड़ने वाली टीम में बर्रा इंस्पेक्टर हरमीत सिंह, गुजैनी चौकी इंचार्ज दिवाकर पांडे सहित लक्ष्मी नारायण मानुभूति कौशल सोलंकी आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ पे राजेश शर्मा जो है वो एक खुले मतलब गांजे का बड़ा तस्करी करता है, और इसी सूचना के क्रम में जो है कल उनको दो तीन लोगों को जो है मौके से पकड़ा गया। तीनों के पास से जो है लगभग 10.5 किलो गांजा मिला है, और लगभग उनके पास से जो है इतनी बिक्री और करीब करते थे उसमें जो है 52,000 रुपये। शाम को कल पुलिस की टीम जो है बर्रा और मोबाइल जिले की पुलिस जो है पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी 10.5 किलो जो है गांजा पकड़ा गया है, और उनसे जो है 52,000 रुपये कैश रिकवर हुए हैं, और तीन आरोपी पकड़े गए हैं। कब से काम कर रहे हैं ये? अब इसके राजेश शर्मा है जो मुख्यतः उसमें व्यवसाय में इसकी पूर्व इसकी माँ भी जो है जेल जा चुकी है, वे भी गया है, और उसकी लड़की को जो है कल घंटे पकड़ा गया है। जिस घर से पकड़ा गया गोविंद नगर थाना के जो है थोड़ी ही दूर पे है, तो क्या जरूरत पड़ेगी? बर्रा पुलिस जो है वहाँ पहुँची थी जो छापेमारी जो बर्रा पुलिस ने की है, गोविंद नगर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं कर पाई? ये जॉइंट ऑपरेशन था, इस संबंध में सूचना कलेक्टर हुई है, और आपका ये रतन लाल अगर ये जो वादा ही है, तो दोनों लोगों ने जॉइंट ऑपरेशन बात करके, क्योंकि ऐसे जो किसी कारण से बाहर गए हुए हैं, नहीं ये बताइए कि इसमें किसी का अपराधी कितना